वेलकम इंजीनियर्स, आज हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर का पार्ट 16 करेंगे। हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ओपन एरियाज कोर्टयार्ड एंड बालकनीज आर नॉट इंक्लूडेड इन विच एरिया फ्लोरिंग वैल्यूएशन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्या है, ओपन एरिया है, आंगन है, और जो आपकी बालकनी है इसका क्या करना है, आपको वैल्यूएशन करना है। तो इस दौरान जो है किस एरिया को जो है शामिल नहीं किया जाता है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, प्लिंथ एरिया, प्लॉट एरिया, कारपेट एरिया या फिर फ्लोर एरिया। तो इनमें जो है किसे शामिल नहीं किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया से आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो आपके डैम्पनेस के लिए जो आपकी डीपीसी लगाई जाती है वो कहाँ पर लगाई जाती है, वो भी आपके प्लिंथ लेवल पर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड्स फॉर व्हाट पर्पस। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोई भी सड़क का जब निर्माण होता है तो उसकी पहली प्राथमिकता जो है वो किन उद्देश्य या पर्पज के लिए दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट विच वॉज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सड़क निर्माण के काम देखने के लिए जो है किस विभाग का जो है गठन किया गया था, उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे आपसे, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पब्लिक वर्क्स, प्राइवेट वर्क्स, स्टेट वर्क्स या फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है, द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी। तो यहाँ पर जो आपका बट वेल्ड होता है उसकी मिनिमम लेंथ जो आपसे पूछी है कि वो कितनी होनी चाहिए, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इक्वल टू द थिकर प्लेट थिकनेस के, या फिर आपके इक्वल टू द थिनर प्लेट ऑफ थिकनेस के, या फिर टू टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड के, या फोर टाइम द साइज ऑफ द वेल्ड के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरली रेजिस्ट लेटरल रोड पैरेलल टू द रिज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग में जो आपकी पिच्ड रूफ होती है उसमें से कौन सा जो एलिमेंट है आपका मुख्य रूप से रिज के पैरेलल में जो है लेटरल लोड का जो है विरोध करता है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्रेसिंग, पर्लिन, ट्रस या फिर कॉलम। तो आपके लेटरल लोड का जो विरोध कौन करता है, वो करता है ब्रेसिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए पिच्ड रूफ द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोप्स इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपके पास क्या है, आपके पास पिच्ड रूफ है और यहाँ पर आपके दो स्लोप के जो है इंटरसेक्शन से जो भी आपका कोई एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रस ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर नीचे आपको एक फिगर दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये किस ट्रस का नाम है,
ये आपको ट्रस्ट का फिगर दे रखा है और नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपका कौन सा, ये है आपकी किंग पोस्ट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश इज मेड ऑफ थिन वायर मेस यूज्ड फॉर लाइटनिंग एंड वेंटिलेटिंग पर्पज एट सेलेक्टेड प्लेस इन द रूफ टॉप्स। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक तार का जो है क्या होता है, जाल होता है, जिसका यूज जो भी आपकी रूफ होती हो वहाँ पर किसी स्थान का चयन करके किसके लिए करते हैं, लाइट के लिए व वेंटिलेशन के लिए किया जाता है, कि उसे क्या बोलते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, रेनफोर्स ग्लास, वुड वुल बोर्ड्स, क्ले फ्लेस ब्रिक्स या फिर फेब्रियस जिप्सम प्लास्टर बोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, रेनफोर्स्ड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है, डैश इज ए वेराइटी ऑफ कार्बोरेंडम स्टोन्स इज ए वेरी हार्ड अब्रेसिव मटेरियल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो क्या है जो आपके कार्बोरेंडम पत्थर की क्या है, एक किस्म है, और एक क्या है बहुत ही कठोर अब्रेसिव मटेरियल है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए है एमरी, कोक ब्रिजी, क्लिंकर या फिर गट्टा पर्चा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, आपका जो एमरी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज। तो यहाँ पर आपसे सीवेज की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है कि वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है या फिर स्लाइटर देन लेस देन वन होती है या इक्वल टू वन होती है या फिर स्लाइटली ग्रेटर देन वन होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग आउट राइट एंगल्स इज नोन एज। तो यहाँ पर पूछा है कि आपके राइट एंगल्स की जो है चेकिंग के लिए जो है आपके किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, घाट ट्रेसर्स, लेवलिंग स्टाफ, टारगेट प्रिज्म या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो यही राइट रहेगा, हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है सर्वे इंजीनियरिंग से, द बुक इन विच द चैन और टेप मेजरमेंट्स आर इंट्रेल इज कॉल्ड। वहाँ पर आपसे पूछी है वो कौन सी बुक है जिसमें आप चेन और टेप से मापी गई जो भी आपकी मेजरमेंट्स होती हैं उन्हें उसमें फिल करते हो, फील्ड बुक, सर्वे बुक या हैंड बुक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, वो आपकी फील्ड बुक होती है जिस पे आप सब एंट्री करते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशंस ऑफ द स्टेशंस। अगर जो है आपको सर्वे करना है और आपने स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है तो उसे मार्क करने के लिए किसका यूज करोगे, पेग्स का, रेंजिंग रोड का, ऑफसेट रोड का या फिर क्रॉस स्टाफ का। तो यूज करोगे आप किसका, ऑप्शन नंबर ए। और आपके खूंटे से संबंधित हम और पॉइंट देख लेते हैं, आपकी जो खूंटी हो किसकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कठोर लकड़ी की, हार्डवुड की, और इसके जो शीर्ष कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए वर्गाकार। साइज यहाँ पर आपको दे रखता है 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर तक की से लेके 20 सेंटीमीटर तक के। और इसका जो आगे वाला सिरा है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए नुकीला। आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो 16 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।